अगर आप जानना चाहते हैं आंचल कौन से कॉलेज में पढ़ती है और आप उससे मिलना चाहते हैं तो आंचल कौन से कॉलेज में पढ़ती है तू? इसके कॉलेज का नाम है हेलो एमजी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम एमजी व्लॉग्स। तो गाइस ये रही मेरी बहन जी, इसको आप जानते होंगे, मुक्ति गौतम नाम है इसका। बहुत ही बेकार लड़की है, अभी तक वीडियो एडिट करी जा रही है, 11 बज चुके हैं और व्लॉग एडिट, हाँ ये व्लॉग ऐसे डाल चुकी है। मैं इसको बोल रहा हूँ जल्दी से उठ, रेडी हो, क्योंकि हमने कहीं इवेंट पे जाना है, काफी काम है जो हम दिल्ली में नहीं निपटा पाए, यहाँ पे निपटाने हैं। तो अभी सुबह सुबह मैंने तो बना लिया पूरी की पूरी लिस्ट कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब बस तैयार होकर निकल जाना घर से। मम्मी बना रही है हम सब के लिए ऑमलेट। हेलो गाइस, कैसा लगा दिल्ली में शॉपिंग करके? बहुत अच्छा लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं इतना पता चलता। हाँ। अब दिल कर रहा है फिर जाए। अभी वापिस आए हैं और जाने का दिल करने लगे। वाह, तो भाई साहब फाइनली हो गया हूँ मैं रेडी और जल्दी से निकलते हैं। रुको, ये ना कैमरे का इशू ये होता है कि इसमें सेटिंग बहुत करनी पड़ती है। आईफोन से व्लॉग बनाओ तो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। तो पहले करेंगे हम कार को पिक और फिर जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। और एक इशू और हो गया, होंडा सिटी गई हुई है सर्विस के लिए और जहाँ से एक दो बार लगी हुई थी पापा ने वो भी काम करने को दे दिया, तो 3-4 दिन में गाड़ी मिलेगी। तो तब तक एक ही गाड़ी है घर पे। कपड़े भूल गया, फिर डब्बा भूल गया, मेरे हाथ में कैमरा, मेरा पर्स। हाँ, मैंने ले कर रही। अरे यार ला रहा हूँ। कल मुक्ति और आंचल फोन का चार्जर गाड़ी में भूल गई हूँ कार के, और मुझे भी नहीं आइडिया कोई कि चार्जर वगैरह, कैमरे की भी बैटरी। अरे बहुत कुछ पड़ा है इसमें, मैडमों ने सब कुछ उसमें फंसा दिया बैक सीट में। ये तो ऐसे है वो अलादीन की तिजोरी हो जैसे। सही बात है, पता नहीं क्या क्या निकलेगा अभी। वही इतनी तो इसमें जगह भी नहीं है गाड़ी में जितना ये सामान निकल रहा है। पिछले एक महीने में हम डेकोर के चक्कर में इतने फंक्शन अटेंड कर चुके हैं, हमने 2 साल में नहीं किया है भाई डेकोर और खाने के ड्रिंक के चक्कर। पता है क्या, सिर्फ जो गेस्ट आ रहे हैं वो शादी नहीं देख रहे ना, हमारी ओएमजी फैमिली फूडी सबने देख दी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। परफेक्ट ना? सही बात है, अभी एक फंक्शन पे और आए हैं, यहाँ पे देखते हैं सारी चीजें। तो एक शादी देखने के बाद आदित्य तो भाग गया क्योंकि उसको था ओम धातु का काम। तो मैंने और ओंकार ने ये सोचा कि अल्टीमेटली शादी तो हम दोनों की है, तो 2-3 शादियों में और हम जाके देख के आए कि डेकोरेशन कैसी होती है, क्या है। और ओंकार एक बात बोलूं, मतलब जैसे मैंने ज्यादातर ना रात की शादियां देखी है, तो मुझे दिन की शादी की डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। दिन की डेकोरेशन जो है बहुत ही ज्यादा सटल सी होती है, सटल होती है, कलर मतलब एज अ डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी देखा ही नहीं, मतलब बंदा शादी में जाता है अटेंड करके आ जाता है। मतलब सच्ची मुझे ऐसा लग रहा है, खुद को ऐसा लग रहा है कि हम भी वेडिंग डेकोरेटरी बन चुके हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं और ओंकार आ चुके हैं एक जगह पे देखने के लिए कि यहाँ का डेकोरेशन और वेन्यू कैसा है। तो अलग अलग वेन्यू देखने के बाद हम आ चुके हैं घर, क्योंकि भूख इतनी जोर से लगी है ना। देख रही है आज मैंने कितनी ज्यादा सिंसियरली वेन्यू देखा है, वेन्यू का फूड नहीं देखा। हाँ। और फूड के लिए घर लेके आया हो। हाँ। ये तो बहुत ही गलत बात है, हम करने क्या गए थे। चल यार मैं तो सोच रहा था कि वैसे भी आज शाम निकालूंगा। ओ नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज शाम को शायद हमें और जगहों पे जाना पड़ेगा फिर से जाना ही नहीं, फिर से जाना पड़ेगा। वहाँ पे ना फंक्शन है तो फूड टेस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। खाली पेट पे अगर फूड टेस्टिंग कर लो ना तो गंद मंद ज्यादा खाया जाता है और स्वाद भी लगता है, और ये भी सही है। हाँ, खाली पेट जाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो हम पेट भर के जाएंगे, फिर स्वाद लगा तो मतलब खाना स्वाद है। सत श्री अकाल मम्मा, दूसरी बार मिल रहे हैं हम। Meanwhile, गाइस मुझे पड़ गया था कुछ काम, तो मैंने कहा मुक्ति और ओंकार को तुम कंटिन्यू रखो अपना काम। और जिस जिसने अभी तक घर का पेंट अच्छे से देखा ना, ये देखो दीवार दिखा देते हैं आपको, चल रहा है पेंट का काम और अभी काफी पेंडिंग भी पड़ा है। तो अभी रेडी डरा दिया तूने मेरे को, अच्छा अंदर आओ चलो। और अब मैं ऑफिस से आ गया था घर क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ही ज्यादा भूख, और मम्मी ने बहुत ही गजब का खाना बनाया है, आलू गाजर मटर साथ में नहीं नहीं स्वाद होता आलू गाजर मटर। क्या हो गया? कल की थकावट नहीं उतरी? हाँ? सिर्फ सब्जी और दही है। अरे बहुत है, स्वाद होनी चाहिए सब्जी साथ में, मिस्सी रोटी। पापा कह रहे थे खैरू बना देता हूँ मैं, नहीं। कोई नहीं कल खाएंगे खैरू आराम से, अभी भूख इतनी लगी हुई है, इंतजार नहीं हो रहा मेरे से। सुबह सिर्फ ऑमलेट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। बड़े दिनों बाद मेरी माँ की हाथ की रोटी मुझे खाने को मिलेगी। मम्मी मजा आया करो काम से, मम्मी के हाथ की रोटी खाओ, भिजवा कुरियर करवा दिया करो।
तो भाई साहब खाना वाना खा के ऐसी गजब की नींद आने लगी है ना, बट मैं उठ गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ रंजीत भाई से मिलने। एक बार आपने उन्हें जिम वाले व्लॉग में देखा होगा, जिम के मैनेजर थे। मुक्ति और ओंकार अभी भी बिजी हैं शादी वाले कामों में। अरे भैया लगे हुए हैं पेंट करने। और भैया कैसे हो? बढ़िया। तो पानी चाय चाहिए तो बता देना। ठीक। अभी थोड़ा सा ना लफड़ा हो गया था, मैं अपना मास्क भूल गया था घर पे ही। और चंडीगढ़ में ना इतनी स्ट्रिक्टनेस है, मतलब मास्क अगर ना भी लगा रखो, गले में लटकाओ तो चलान नहीं काटते हैं, बट अगर मास्क ना हो तो पक्का चलान काटते हैं, मतलब पक्का ही चलान कटना है फिर तो। बट मेरा बाय चांस गाड़ी में से मास्क मिल गया, नया है, अनयूज्ड है। तो घर से खाना खाने के बाद ना इतनी तगड़ी नींद आ रही है ना उनका। एक बात बता, कब है मतलब खाना खाने के बाद नींद नहीं आती? सबसे पहले चलते हैं शादी के कार्ड बनवाने और उसके बाद जाएंगे फूड की टेस्टिंग के लिए। तो आज जो हमारा कार्ड वाला काम था वो नहीं हो पाया और अब फाइनली होने वाला हमारा रीयूनियन आदित्य गौतम के साथ। हेलो, कैसे हो? देखो आदि कितना ज्यादा प्यारा साला है, मतलब एक सैंडविच स्पेशल उसने मिलने रखा हुआ था, उसको पता था मैं आऊंगा खाने। तो भाई साहब फाइनली अब जाके हुए हैं फ्री और मेरे ख्याल से अभी भी ओंकार मुक्ति और मैंने जाना है किसी इवेंट पे। रंजीत भाई बाय बाय। चलान कट जाएगा। अच्छा यार पुलिस वाले भी चलान काट रहे थे यहाँ पे, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात तो है पर हमने नहीं लगाया। आप सेल्फी लेंगे फिर आपसे 500 रुपए लेंगे। सेल्फी के 500 रुपए। तो भाई साहब अनजान लोगों के जितने इवेंट हमने कवर करे हैं ना, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किए। मतलब लोग पार्टी क्रैश करते हैं छुप छुप के, हम करते हैं खुले आम। आज तो इतनी शर्म आ रही थी, खाना भी नहीं टेस्ट किया, तो सारी देख रहे थे हमको। एक इवेंट तो हमने कर लिया अटेंड जहाँ हमने कुछ खाया नहीं। हाँ। अब जाते हैं दूसरे इवेंट में। ओंकार यार पनीर टिक्का तो खिला ले रहा हूँ। सच्ची बात बोलो, इस इवेंट पे जिसपे जा रहे हैं ये मेरा फेवरेट केटर है। मतलब अच्छा, छोटे छोटे सोचा हुआ था मेरी शादी में ये केटर होगा। मैं शादी अटेंड की हुई है इतनी ज्यादा। ये तो भाई मेरा वो है, पहले फैन हूँ मैं इसका। ओंकार जब 4 साल का था ना, तो ओंकार ने सोच लिया था कि मैंने इसी केटर से अपनी शादी पे खाना बनवाना। 16 साल जब ये 16 साल का था, 4x4। फाइनली पहुँच गए हम घर और बस पहुँच गए घर और बड़ी जोर से लगी हमें दोबारा से भूख, क्योंकि इस वाले इवेंट में मैंने बहुत ज्यादा नहीं खाया, हल्का फुल्के स्नैक्स वगैरह ट्राई करे। और मैंने इस बार वेन्यूज इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि अब फाइनल टेस्टिंग है वेन्यूज की और जो वेन्यू सिलेक्ट होगा फिर वो सरप्राइज होगा आपके लिए। डैडी अगर आप जानना चाहते हैं आंचल कौन से कॉलेज में पढ़ती है और आप उससे मिलना चाहते हैं तो आंचल कौन से कॉलेज में पढ़ती है तू? इसके कॉलेज का नाम है नथुलाल एंड कंपनी, क्योंकि इसको और कहीं एडमिशन नहीं मिली, सिर्फ नथुलाल कॉलेज में मिली थी जहाँ पे 10% वाले बच्चों को भी ले लिया जाता है। तो आंचल को वहां ले लिया गया। और कैसा लगता है ऐसे कॉलेज में पढ़ने से? मैं खाने को वैसे नथुलाल को हो सकता है ऐसे कॉलेज होगा, वैसे कोई ना कोई है ना, होगा। बुरा मत मानना जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और जैसे हमने मम्मी को पकड़ा था सुबह सुबह खाना बनाते हुए, अब हम मम्मी को पकड़ेंगे शाम को खाना बनाते हुए। फिर मम्मी मुझे डांटेगी कि तू मुझे रेडी भी नहीं होने देता, बताते भी नहीं, वीडियो बना रहे हो और वीडियो बनाने लग जाते हो। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत ही बढ़िया लग रहा है मम्मी को, कैमरे के आगे बहुत बढ़िया लगता है हमेशा ही। कैमरे के आगे मम्मी को जो कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो अजीब सी लगती है, प्यारा है ये, लुक्स सो गॉडी। क्या लुक्स सो व्हाट? घोड़ी या घोड़ी? घोड़ी घोड़ी लुक्स गो क्या लुक्स सो व्हाट? घोड़ी लग रही है ये देखो, गॉडी। हां बाल तो घोड़ी के पूंछ जैसे हैं वैसे हैं और इस पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है काली घोड़ी की पूंछ लगा दी हो पीछे। मम्मी खाने में क्या है आज? है दाल चावल आलू गोभी मिक्स चपाती। वाह सैलेड स्पेशल, आज की ड्यूटी लगती है सैलेड का। मेरा प्यारा सा मालो वाला बच्चा जादू। तो ऐसा अब बारी आ गई है खाना खाने की। अनांचल एंड मुक्ति आर बैक एट अनुपमा एज यूजुअल। भाई साहब मेरे को पता नहीं कितने पीछे चली गई हूं मैं, एपिसोड नहीं देखे मैंने। कितना नुकसान हो गया है, यूपीएससी का पेपर ही क्लियर होगा तेरा।
अनुपमा दो एपिसोड मिस हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है क्या ही पहाड़ टूट गया हुआ है। डिनर विनर हो गया और सारे काम ना मेरे को आसान लगते हैं सारे काम, बट सबसे गंदा काम लगता है मुझे रूम साफ करना। और इतना गंदा रूम ना मेरे को दो साल में कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा टेबल गंदा पड़ा है स्टेशनरी से, सारे कपड़े बाहर है, गंदे कपड़े मिक्स हैं, साफ कपड़े मिक्स हैं, कुछ भी सेट नहीं है। कोशिश करूंगा कल अपना रूम सेट करूं, सफाई करूं। आजकल बाहर से आने के बाद नींद कैसे आई ना कसम से पता ही नहीं लगा, और अब बारी आ गई है। आज का जो दिन है ना वो मैं देने वाला हूँ सेल्फ ग्रूमिंग पे। पूरा दिन तो नहीं देने वाला, अभी थोड़ा सा टाइम ही दूंगा। अभी पहले तो नाखून काट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और उसके बाद मैं जाऊंगा सलोन, अपनी बियर्ड कराऊंगा, हेयर कराऊंगा। पापा ये वाला नेल कटर कितना पुराना है? ये नेल कटर हमारे घर पे बहुत सालों से है, पर मुझे पता कितने नहीं, 15 साल तो हो गए, 15-16 साल हो गए। 15 साल से भाई साहब नेल कटर, पूजा करने जा रहे हो ना नेल कटर की भी करा करो। ये 15 साल से टिका हुआ है ये बर्फ। तो भाई साहब नाखून तो कट चुके हैं, मैं निकलने लगा सलोन के लिए। जल्दी जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी करवाते हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। आंचल जा रही है कॉलेज। आंचल का कॉलेज मैंने बता दिया था ना हम लोग को। नथुल आनंद कंपनी। गूले स्कूबी चाहिए तेरे को? स्कूबी करते पूरे आते चाहिए तेरे को? फाइनली हेयर कट, बियर्ड और मसाज कराने के बाद मैं हो गया फ्री, और मेरा रगड़ा लग गया है मोटा, मतलब 700-800 रुपए का रगड़ा लग गया है। और ना मैंने धूप को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर दिया, मुझे लगा धूप इतनी निकली हुई है ठंड नहीं लगेगी, बट काफ़ी ठंड लग रही है। अगर मैं फुल जैकेट पहन के आता तो ज़्यादा बेटर था। अभी घर चलते हैं, घर जाकर करते हैं ब्रेकफास्ट और ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी से कर देना सब्सक्राइब, जो और जिसने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया फॉलो कर देना। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया मेहमान, हमें इतना प्यार देने के लिए। तो गाइस बाय बाय, टाटा।